हरे कृष्णा गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो भाई आज है 22nd of October यानी ट्यूसडे, एंड कल था मंडे। कल मैंने आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करा था एडवोकाट इवेंट वाला। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सो गो एंड चेक आउट द व्लॉग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो संडे को था एडवोकाट का इवेंट। सो मैं संडे को गया था, दैन रात को मैं आया था। सो एडिटिंग वगैरह टाइम नहीं मिला था, सो मैंने मंडे को लाइक सुबह जल्दी से एडिट वगैरह करके वॉइस ओवर करके आप लोग के साथ जिनमें शेयर करा था। सो कल बस मैंने एडिट वगैरह करा, दैन फिर मैंने रेस्ट करा या फिर मैं सोया हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। ट्रैवल चाहे कितना या छोटा चाहे, 1 घंटे का ट्रैवल हो बट थकान जरूर हो ही जाती है। यानी तो लाइक 2 घंटे का था, बिकॉज जज्जर से गुड़गांव जाना था 1 घंटा लगता ही है, देन गुड़गांव से JLN स्टेडियम जाना था जहाँ पर इवेंट था, तो 2 मेट्रो लाइक एक चेंज था। तो एक बार तो था लाइक 1 घंटे की मेट्रो थी एंड दूसरी थी 5-6 मिनट की, देन आना जाना वही रात को आया था। जिन्होंने देख रखा आपको पता भी होगा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो अगले दिन बस मैंने रेस्ट ही करा था। सो आज है ट्यूसडे एंड आज मैं अपनी पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर रहा हूँ, सो मैं सोचा आज व्लॉग भी बना लेते हैं। ऑल्सो गाइज मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर करूँगा, बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे हो कितना क्या सिलेबस हो गया, अभी फिलहाल आपका कितना सिलेबस पेंडिंग है, बिकॉज टर्म टू भी नज़दीक आ रहे हैं, प्री बोर्ड भी, उनमें तो पूरा ही सिलेबस आएगा, देन फिर बोर्ड्स भी नज़दीक ही आ रहे हैं डे बाई डे। सो व्लॉग गोइंग टू बी अ वेरी मच प्रोडक्टिव, सो पूरा देख के जाना। अगर चैनल पर नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। ही गाइज मैंने व्लॉग बनाना शुरू करा था भाई अराउंड 3:45-4 PM के बीच में, एंड उस टाइम वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था, लाइक ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एंड ऑल्सो सर्दियों की शुरुआत हो ही चुकी है। लाइक सुबह शाम अब लाइक ऐसा ही ठंडा मौसम रहता है, दिन में थोड़ी ही टाइम धूप निकलती है, 2-3 दिन से ऐसा ही मौसम चल रहा है। देन उसके बाद मैं आ गया था अंदर, एंड अंदर आने के बाद मैंने अपने लिए बनाया बनाना शेक, देन बनाना शेक पी के मैं बैठ गया था अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करने के लिए। उससे पहले मैंने अपनी वाटर बॉटल फिल करी लाइक नॉर्मल गर्म गर्म पानी पर, लाइक गर्म पानी करके थोड़ा सा लाइक पीने लायक, बिकॉज अभी डायरेक्ट मैं ठंडा पानी नहीं पीता हूँ, बिकॉज उससे गला खराब हो जाता है। देन उसके बाद मैं लग गया था अपनी टेबल की सफाई में, बिकॉज सारा का सारा बिखरा पड़ा था, तो उससे पहले मैंने अपने टैप पर म्यूजिक ऑन करा और फिर मैंने सफाई करी। एंड ऑल्सो गाइज अपने चैनल पर 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक यू सो मच गाइज जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, आई लव यू ऑल्सो सो मच। एंड इफ यू गाइज आर न्यू ऑन माई चैनल सो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, लेट्स एट 5K सब्सक्राइबर। उसके बाद मैं लग गया था भाई अपनी आज की टू डू लिस्ट बनाने के लिए, एंड मेरी आज की टू डू लिस्ट में था जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है उसके मुझे क्वेश्चन बैंक से ना क्वेश्चन सॉल्व करने थे, एंड सेकेंडली बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर लास्ट बायोलॉजी का, उसका मुझे रिविजन करना था NCERT टैबलेट से, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 3 के PYQ सॉल्व करने थे, एंड फिजिकल एजुकेशन के मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे होल सिलेबस के, जो मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है टैब पे। सबसे पहले मैंने शुरू करा फिजिक्स का, तो फिजिक्स का डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करा था, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं उस टॉपिक के ना लाइक जो टॉपिक तो है ही, टॉपिक के बाद क्वेश्चन से, तो पहले मैं टॉपिक रिवाइज करा था उसके बाद मैंने क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करा। एंड ऑल्सो गाइज फिजिक्स में मेरा लाइक चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 11th मेरा चल रहा है, हाफ हो चुका है। सो यार फिजिक्स में मेरा यही सिलेबस अपडेट है। एंड आप में से काफ़ी सारे पूछ रहे हो कि आप कौन सा सैम्पल पेपर यूज़ करोगे, आपने कौन सा सैम्पल पेपर बाय कर लिया, सो लेट मी टेल यू गाइज। सो गाइज रिसेंटली मैंने परचेज करा है एडुकार्ट का हाइब्रिड सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये 100% बेस्ड है CBSE के ऑफिशियली सैम्पल क्वेश्चन पेपर के साथ, एंड यहाँ पर आपको हर चैप्टर का माइंड मैप भी देखने को मिलेगा, एंड इसके अंदर एक अलग से बुक है, उसके अंदर आपको 5 फुली सोल्व क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग CBSE वाला भी, एंड 2 सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, जैसे हमें बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है ना, वैसा यहाँ पर आपको 3 सेट देखने को मिलेंगे, और साथ में जैसे बोर्ड में आंसर शीट मिलती है वैसे ही आंसर शीट्स भी आपको देखने को मिलेंगी। सो आप रियल जैसा जो एग्जाम हम देते हो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, तो एग्जाम से आपको वहां पर जाकर नर्वस फील नहीं होगा। एंड ये सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे वहां से बाय कर सकते हो। देन गाइस यहाँ पर मैंने जो अपना लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का बायोडाइवर्सिटी वाला वो रिवाइज करना शुरू कर दिया था, सो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया कि मैं इसी टाइप से रिवाइज करता हूँ जब मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है रफली नोट्स बना के। तो NCERT टैबलेट से मैंने चैप्टर रिवाइज करा और बायोलॉजी का गाइस मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइज आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर मैं स्टडी लेटेस्ट स्टफ डालता रहता हूँ। एंड मेरा सेकंड चैनल है अनुराग चिकारा, उस पर भी बहुत जल्द वीडियो आने वाले हैं, सो उसे भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम की ID दिख रही होगी, वहाँ भी फॉलो कर लेना इफ यू आर यूजिंग। ठीक है गाइस, सो फिलहाल मैं अभी करने वाला था फिजिकल केमिस्ट्री का जो अपना चैप्टर 3 है केमिकल काइनेमेटिक्स, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व PW की जो मेरे पास PYQ की बुक है वहाँ से, बट अभी मैं वो नहीं करूँगा, अभी मैं करूँगा फिजिकल एजुकेशन के जो मुझे ओवरऑल सिलेबस के क्वेश्चन लगाने थे टैप पर से, जो मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है ना प्ले स्टोर से MyCBSE वाला, वहाँ से अभी मैं ओवरऑल सिलेबस के फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन लगाऊंगा, बिकॉज अभी 10-15 मिनट पहले मेरे पास मैसेज आया कि मेरी एक मीटिंग है, सो वो अटेंड करना जरूरी है भाई, अदरवाइज मैं लाइक स्किप भी कर देता, बट उन्होंने बोला इंपॉर्टेंट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट्स वाई। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन दोनों को करने बैठूँ, दोनों करूँ फिर मीटिंग रह जाएगी, दैट्स वाई मैं सोच रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कल मॉर्निंग में कर लूंगा, अभी फिलहाल अपने फिजिकल एजुकेशन के कर लेता हूँ। सो यार फटाफट अभी मैं करने बैठता हूँ, देन फिर मीटिंग भी है, आगे का ब्लॉग एंजॉय करो भाई।
देन गाइज यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया था माई सी बी एस ई गाइड ऐप से अपने फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस लगाना शुरू। एंड अब मैं आपको अपने सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। सो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का मेरा होल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एंड रही बात बायो की, सो बायो भी कंप्लीट हो चुकी है, फिजिकल केमिस्ट्री भी पूरी हो चुकी है। इनऑर्गेनिक में मेरा कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पूरा हो गया, वो डी एफ ब्लॉक वाला चैप्टर चल रहा है। सो जैसे ही वो कंप्लीट होता है, वैसे तो मेरी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुकी है, बट मैं ऑर्गेनिक वापस से करूँगा। हर चैप्टर के वन शॉट देखूंगा मैं यूट्यूब से, बिकॉज ऑर्गेनिक में मैं इतना श्योर नहीं हूँ सभी चैप्टर्स में, इसलिए मैं एक बार वापस से वन शॉट के साथ जाऊंगा। नोट्स में नहीं बनाऊंगा, नोट्स मैंने जो बना रखे हैं वो ही। एंड फिजिक्स का जैसे मैंने बताया अभी रहता है मेरा फिजिक्स का सिलेबस। देन गाइज आफ्टर सॉल्विंग फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन थोड़ी देर, उसके बाद मेरा टाइम हो गया था मीटिंग का। सो फटाफट मैंने पानी पिया, देन थोड़ी देर में मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैंने शर्ट वियर कर ली थी, फिर मीटिंग आ गई थी, मीटिंग का टाइम हो गया था, देन मैं बैठ गया था। सो बेसिकली एक मेरा वर्क है साइड बाई साइड, सो उससे रिलेटेड कुछ मैंने अपने प्लान्स बना रखे थे, सो वो मुझे शेयर करने थे। दो सर थे एंड एक मैम थी, सो उनका आगे जो बिजी थे वो थोड़े, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता, दैट्स व्हाई उन्होंने आज ही मीटिंग फिक्स कर ली थी। सो फटाफट इसे करा, ये अराउंड मेरी चली थी 1.5 आवर तक। देन उसके बाद गाइज मैंने अपनी टू डू लिस्ट पर लगाए सभी पे टिक, एक को छोड़ के फिजिकल केमिस्ट्री वाले पे। धनिया गाइस आज के लिए इतना ही, आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। अगर चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं अगली वीडियो में बहुत जल्द। एंड या अपना ध्यान रखो, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।